सास का घूंघट पार्ट टू। पिछले अंक में हमने देखा कि देविका अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करती, तो उसकी वजह से देविका पर उसके ससुराल वाले बहुत अत्याचार करने लगे। एक दिन देविका ने सचिन से कहा, सचिन मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, तुम मुझे आज ही मेरे घर शहर भेज दो, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। क्यों देविका, तुम शहर क्यों जाना चाहती हो? यहाँ तुम्हें किस बात की परेशानी है? किस बात की परेशानी नहीं है सचिन, तुम्हारे घर के आदमी औरतों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। देखो देविका, तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, अब मैं तुम्हारा पति हूँ और यही तुम्हारा घर है। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? जब तुम्हारे पिताजी और चाचा जी मुझे एक एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, तब तुम्हें क्यों याद नहीं आता कि जो औरत कमरे में बंद है वो तुम्हारी पत्नी है? जब तुम्हारे जीजा जी और भाई मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते, तब भी तुम्हें याद नहीं आता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? देखो देविका, तुम बेकार की बातें मत करो, तुम यहाँ ढंग से रहोगी, सबकी बात मानोगी, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस तरह जानवर की तरह रहना, ढंग से रहना है तो सॉरी सचिन, मैं नहीं रह सकती, मैं आज ही अपने घर जाऊंगी। ये बोलकर देविका अपना सामान पैक कर लेती है और घर से जाने लगती है। सचिन भी उसके पीछे पीछे चलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जब ये सब जोगिंदर ने देखा तो बोल पड़ा, बहू यह सब क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हो? सचिन बताओ अपने पिताजी को कि कहाँ जा रही हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति का नाम लेते हुए? मैं अपने पति का नाम ले रही हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी है? आपका नाम तो नहीं ले रही हूँ ना। देविका ये किस तरह से बात कर रही हो तुम पिताजी से? जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से कर रही हूँ बात, इससे अच्छी तरह से मैं तुम्हारे घर के किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकती। तीनों की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तभी जोगिंदर कहता है, हमारे घर की औरतें अपने मर्दों का नाम नहीं लेती, तुम्हारे शहर में होता होगा लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बहू सचिन तुम्हारा पति है, तुम उसका नाम मत लिया करो, तुम अपने पति का नाम लेने की जगह ए जी ओ जी सुनो जी कहा करो, पति ना परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर का तो हम नाम लेते हैं, क्यों माँ जी, क्या आप अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेती? माँ जी ये सब इन पुरुषों के बनाए तौर तरीके हैं औरतों को दबाने के लिए। ये बेशर्म लड़की ऐसा नहीं सुधरेगी, ये हमारे घर की औरतों को भड़का रही है। सचिन तुम इसे चुप कराओगे या फिर मैं करूं? नहीं नहीं पिताजी, मैं अभी समझा देता हूँ, चलो देविका अंदर, और कितना तमाशा बनाओगी मेरा। सचिन मैं अंदर नहीं बाहर जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। देविका की बात सुनकर महेंद्र कहता है, भाई साहब ये लड़की इस घर से और गांव से बाहर ना जानी चाहिए, नहीं तो हमारे घर और गांव की औरतें भी ऐसी ही हरकतें करेंगी, वो भी मर्दों के खिलाफ बगावत करेंगी। और मैं भी देखती हूँ कि मुझे घर से बाहर जाने से कौन रोकता है। बहू इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, तुम अंदर चलो, इस गांव के मर्दों के अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है। देविका किसी की बात नहीं सुनती और अपना सामान उठाकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी वहां मोहन और कल्याण आते हैं। कल्याण देविका के हाथ में से उसका सूटकेस छीन लेता है और मोहन देविका को जोरदार थप्पड़ मारता है। देविका का सर दीवार में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। देविका देविका तुम ठीक तो हो? भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? सचिन तुम जल्दी से देविका भाभी को अंदर कमरे में ले जाओ, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ। वीना जल्दी से वैद्य जी को लेकर आती है। वैद्य जी थोड़ी देर तक देविका की जांच करते हैं और कहते हैं, मुबारक हो आप सबको, आपकी बहू माँ बनने वाली है, अभी तो मैं आपको दवाई दे देता हूँ लेकिन आगे इनके इलाज के लिए आपको दाई अम्मा को बुलाना होगा। ये बात सुनकर घर के सभी लोग खुश होते हैं। देविका को जब होश आता है, उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। वो सबसे कहती है, मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं रख सकती। क्यों बहू क्या हुआ? अब तुम ये सब बातें मत सोचो, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं माँ जी आप नहीं समझ रही, अगर मेरा बेटा हुआ तो इस घर के मर्दों की तरह अहंकारी और औरतों पर जुल्म करने वाला बनेगा, और अगर मेरी बेटी हुई
तो वो जानवरों की तरह जुल्म सहने वाली बनेगी और दोनों ही अनपढ़ रहेंगे। देविका की बात सुनकर घर की सभी औरतों को पहली बार एहसास हुआ कि वो किस अंधकार वाले समाज में जी रही हैं। लेकिन फिर भी घर की सारी औरतें उसे ही समझाती हैं। बहू देखो, तुम्हारी बात सही है लेकिन तुम इस हालत में सफर नहीं कर सकती। हाँ बहू, तुम यहीं रहो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। देखो ना देविका भाभी, हमें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अपना नाम भी नहीं लिख पाते, तो आप मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए ना। देविका, तुम्हारी बातें सुनकर पहली बार हमें एहसास हुआ है कि कैसे माहौल में हम जी रहे हैं। तुमने हमारे अंदर उम्मीद की नई रोशनी पैदा की है, यहाँ से मत जाओ तुम। देविका ने घर की औरतों की बात सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसने गांव में ही रहने का फैसला लिया। वो अपने घर की औरतों को रोज पढ़ाती, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में, देश के बारे में बताती। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन सुजाता ने सचिन से कहा, सचिन देविका की तबीयत ठीक नहीं, तुम जल्दी जाकर दाई अम्मा को बुला लाओ ना। भाभी दाई अम्मा क्या कर लेंगी, आप किसी डॉक्टर को बुला लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देविका, गांव के लोग डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते, दाई अम्मा बरसों से ये काम कर रही है, वो तुम्हें ठीक कर देगी। सचिन तुम्हारे घर वाले अनपढ़ हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, देख नहीं रहे मेरी हालत क्या हो रही है। तभी तो बोल रहा हूँ समय बर्बाद मत करो, मैं अभी आता हूँ। सचिन दाई अम्मा को बुलाकर ले आता है। दाई अम्मा घरेलू नुस्खों से देविका का इलाज तो कर देती है, कुछ समय के लिए उसकी हालत भी स्थिर हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। फिर देविका सचिन से कहती है, सचिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे, मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा हेमोग्लोबिन कितना है। दाई अम्मा कर रही है ना तुम्हारा इलाज। लेकिन दाई अम्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर देखो तुम मुझे नहीं लेकर गए ना तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगले दिन देविका की तबीयत दोबारा बिगड़ जाती है और दाई अम्मा के किसी भी नुस्खे से वो ठीक नहीं हो रही थी। देविका ने सारी हिम्मत जुटाई और वो अकेले ही डॉक्टर के पास जाने लगी। उसे देख कर मोहन कहता है, बहू इस हालत में कहाँ जा रही हो। आप लोगों के भरोसे रही ना तो आप लोग मुझे मार ही डालोगे, डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं। बहू तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, हमारे घर की औरतें मर्दों से इलाज नहीं कराती। हे भगवान, इन जाहिल लोगों को मैं कैसे समझाऊं, डॉक्टर औरतें भी होती हैं। बहू तो हमें पागल मत बना, हमने तो कभी कोई महिला डॉक्टर नहीं देखी, तू झूठ बोलकर निकलना चाहती है ना। इस गांव की सरहद से आप लोग कभी बाहर नहीं गए ना, इसलिए आप लोगों को नहीं पता कि महिलाएं डॉक्टर के अलावा क्या क्या है। ए लड़की, तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तू ज्यादा हवा में मत उड़, बोला ना एक बार, चल अंदर जा। चाचा जी मैं अंदर नहीं जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेरा इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ये बोलकर देविका घर से निकल रही थी कि तभी जोगिंदर ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से देविका के पेट में चोट लग गई और वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देख कर घर की सारी औरतें देविका को संभालने लगी। देविका हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। देविका भाभी आप ठीक हो ना, माँ कुछ करिए ना, भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। भाभी कुछ तो करो, कहीं बहू को कुछ हो ना जाए। उधर जोगिंदर मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा देता है और कहता है, आज के बाद इस घर से कोई भी औरत बाहर नहीं निकलेगी, देविका का बच्चा भी इसी घर में होगा, ये जिंदा रहे या मर जाए। जोगिंदर की बात सुनकर सभी औरतें बाहर आती हैं। जब विमला को इस बात का एहसास हो जाता है कि जोगिंदर देविका को डॉक्टर के पास किसी कीमत पर नहीं जाने देगा, तब विमला पहली बार अपना घूंघट उठाकर तेज आवाज में कहती है, मैं भी देखती हूँ देविका को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है, आज देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। देविका की सास का घूंघट आखिरकार उतर ही गया। घर के आदमियों ने पहली बार विमला का ये रूप देखा था और उसकी तेज आवाज पहली बार सुनी थी। क्या विमला अपनी बहू की जान बचा पाएगी या जोगिंदर अपनी पत्नी की आवाज भी दबा देगा, ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि घर की औरतों को आगे क्या कदम उठाना चाहिए।